वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को लेकर लंबे वक्त से विवाद होता रहा है। इसी हफ्ते संसद में इस संबंध में बिल पेश किया जा सकता है। कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में संशोधन के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्फ बोर्ड को मिले असीमित अधिकारों को लेकर लंबे वक्त से विवाद होता रहा है। अब केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की तैयारी कर रही है। इसी हफ्ते संसद में इस संबंध में बिल पेश किया जा सकता है। इसमें वक्फ बोर्ड एक्ट में कई तरह के संशोधन भी किए जा सकते हैं। कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में संशोधन के कई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। वक्फ बोर्ड अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाने जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ एक्ट में 40 बदलाव पर चर्चा हुई है, जिसमें यह भी कहा गया है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है तो उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन होगा। इसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी व्यक्ति के बीच विवाद चल रहा है तो उसका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। केंद्र सरकार वक्फ एक्ट में बदलाव को लेकर अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक भी पेश कर सकती है। तो आइए जानते हैं कि आखिर ये वक्फ है क्या। वक्फ अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम पर दिया गया वस्तु या जनता की सेवा के लिए दिया गया धन। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रख रखाव और उसे मैनेज करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती हैं। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड को जो संपत्ति दान में मिलती है उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत या रख रखाव या अन्य धर्मार्थ कार्यों में मदद करना है। वक्फ एसेट्स मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर मुख्यालय दिल्ली में है। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्डों के साथ तालमेल कर काम करता है। साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट पास किया गया, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाज को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक को लेकर प्रावधान है। इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक साल 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। ये वक्फ बोर्डों के कामकाज के मामलों में एक तरीके से केंद्र सरकार को सलाह देती है। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव भी किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। आप जानते हैं कितनी जमीन वक्फ के पास है। देखिए, वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर आता है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा की जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दोगुनी हो गई है। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिदें, मदरसा, कब्रगाह हैं। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास कुल 8,65,644 अचल संपत्तियां थी। वक्फ बोर्ड को ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में मिली। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही वक्फ संपत्तियां मिलती रहीं। मुगलों के शासनकाल में भी वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसा, कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें मिली। इसके अलावा 1947 में बंटवारे के वक्त पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुसलमानों ने भी अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर दी थी। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने क्यों वक्फ को अवैध बताया था। देखिए, वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के जमाने से लड़ाई चली आ रही है। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ा। ये लंदन स्थित प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार कर दिया गया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की सरकार ने नहीं माना। मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया गया। आप जानते हैं वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्यों इतने विवाद है। इसके बाद से अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद होता रहा। सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिया अधिकारों को लेकर। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि वो किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है। अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो इसे पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेशन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती भी नहीं दी जा सकती। देखिए, बिल में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की तरफ से किए गए संपत्ति के दावों पर वेरिफिकेशन जरूरी बनाया जा सकता है। साथ ही वक्फ बोर्ड की विवादित संपत्तियों के लिए वेरिफिकेशन जरूरी किया जा सकता है। 1954 में केंद्र सरकार ने वक्फ बिल पारित किया था और फिर 1964 में केंद्रीय वक्फ काउंसिल बनी। 1995 में हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में वक्फ बोर्ड के गठन की इजाजत देने के लिए कानून में संशोधन किया गया। 2013 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने एक्ट में संशोधन कर वक्फ बोर्ड की शक्तियां और बढ़ा दी थी।
वक्फ बोर्ड के पास 8.50 लाख से ज्यादा संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ एरिया है। इससे पहले भी केंद्र की एनडीए सरकार ने राज्य वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के लिए व्यापक अधिकार दिए जाने के बारे में संज्ञान लिया था। ज्यादातर राज्यों में ऐसी संपत्तियों के सर्वेक्षण में देरी का भी सरकार ने संज्ञान लिया था। पिछली एनडीए सरकार में वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निगरानी की प्रक्रिया में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी शामिल करने पर विचार किया गया था। तब भी ये कहा गया था कि विवादित संपत्ति के मामले में अपील प्रक्रिया में भी खामी है। बिल में संशोधन के जरिए वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को सीमित किया जाएगा, साथ ही बोर्ड के स्ट्रक्चर में भी बदलाव किया जा सकता है और इसमें ज्यादातर महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकती है। वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करता है। वक्फ मुस्लिम समुदाय द्वारा दान में दी गई संपत्ति होती है। वक्फ संपत्ति और संपत्ति से हुए मुनाफे का प्रबंधन राज्य के वक्फ बोर्ड करते हैं। इसे लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। इन सब घटनाक्रम के बीच AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा है कि इस एक्ट में संशोधन को लेकर जो कहा गया है उससे लगता है कि केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनोमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है। उन्होंने कहा कि धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा से इस बोर्ड और वक्फी संपत्तियों के खिलाफ रही है और उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। वो इस मामले पर AIMPLB यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना खालिद रशीद फरहर महली ने कहा है कि सरकार को कोई भी संशोधन करने से पहले स्टेक होल्डर से बात करके उनकी राय लेनी चाहिए। मौलाना महली ने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान किया है और उन्होंने इसे इस्लामी कानून के तहत वक्फ बना दिया। जहां तक वक्फ कानून का सवाल है, संपत्ति का इस्तेमाल केवल धर्मार्थ उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। ये कानून है कि एक बार जब कोई संपत्ति वक्फ की बन जाती है तो उसे बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हमें नहीं लगता कि इस वक्फ एक्ट में किसी भी तरह का संशोधन करने की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संपत्तियों का लगभग 60-70% हिस्सा मस्जिदों, दरगाहों और कब्रिस्तानों के रूप में है। दूसरी तरफ बीजेपी सूत्रों का कहना है कि संशोधन की तैयारी लोकसभा चुनाव से पहले ही हो गई थी। पिछली सरकार में भी इसे लेकर कई बार चर्चा हुई। ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब सहित किसी भी इस्लामिक देशों में इस तरह की संस्था को इतनी असीमित शक्तियां नहीं दी गई हैं। बीजेपी इन संशोधनों को गरीब मुसलमानों के हक में बता रही है। एक नेता ने कहा कि किसी भी संपत्ति को अगर वक्फ बोर्ड वक्फ की संपत्ति मानता है तो विवाद होने पर फैसला भी वक्फ बोर्ड ही करता है, जिससे गरीब मुस्लिम का हक मारा जाता है। असीमित शक्तियों को कंट्रोल करना गरीबों के हक का फैसला है। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। हम कल फिर मिलेंगे किसी नए प्रकरण के साथ। आप देखते रहिए न्यूज़ वाला इंडिया।